भैया मेरा भैया छोटा था उसे लेने को गए वहां से। अरे बच्चा खेलता खेलता पहुंच ही जावे है उसे लेने गए है। अरे जी अब बताइए अल्लाह बोलन भी ना देगा जाने की। अरे मेरा एक ही भैया है। अरे मेरे अल्लाह। हाँ दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के नए गांव में मौजूद हूँ और दक्ष गार्डन के जस्ट पीछे हूँ। यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर अभी अभी तकरीबन एक घंटे का समय हो चुका है जहाँ ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के कारण कई जाने जा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इतनी जोरदार यहाँ पर जो है धमाका हुआ, इतनी जोरदार धमाका था कि लगभग शहर के सभी लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी। जैसे एक बहुत बड़ा टायर फटता है किसी ट्रक वगैरह का, उससे भी ज़्यादा आवाज़ थी। और यहाँ जो दूर दूर तक लोगों के चिथड़े हैं वो जा पड़े। मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये आप देख सकते हैं कि जो ये ई रिक्शा वगैरह है ये उड़ के यहाँ पे आके गिरा। और देखिए जो सामान है, इधर दिखाओ थोड़ा सा, ये ईंटें जो यहाँ से दूर दूर तक बिखरी हुई ईंटें हैं, ये सब सामान जो तितड़ बितड़ हुआ पड़ा है, ये सभी सामान ये ब्लास्ट होने के बाद में हुआ। यहाँ तक कि देखिए कितना ज़ोरदार धमाका होगा कि ये जो खम्भा वगैरह है ये सब टूट गया। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई केमिकल बनाने का कार्य चल रहा था। फिलहाल इलाके को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। जो शहर से और गांव से लोग यहां घटनास्थल की ओर दौड़ रहे थे उन सभी को दूर रोक दिया गया है, क्योंकि नमूने यहां से लिए जा रहे हैं। जांच यहां पूरी तरह से, जो अधिकारी है, तमाम अधिकारी यहां मौजूद हैं, वो तमाम यहां जाँच के लिए जुटे हुए हैं। ये डब्बे वगैरह यहाँ पर ये गवाही दे रहे हैं कि किसी तरह का कोई केमिकल यहाँ बनाया जाता था। क्योंकि देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, दिखा सकता हूँ आपको, जो केमिकल है वो इस डब्बे के अंदर केमिकल रखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा स्मेल है इस डब्बे में। और ये देखिए टीन टप्पड़ यहाँ, ये अब जो मकान जो बता रहे हैं कि दो मंजिला मकान था, वो मकान यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ज़मींदोज हो चुका है। इस जगह पर बचाव कार्य जारी है। तमाम जो अधिकारी हैं वो बचाव में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जांच करके ये कर जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा यहाँ पे मामला हुआ है। मकान जो है वो पूरी तरह से, देखिए ये सब टीन टप्पड़ जो है वो सब ख़त्म हो गया यहाँ पर। ये भी बताया जा रहा है कि जो कई लोग इसमें काम कर रहे थे, जो कारीगर वगैरह थे या परिजन थे यहाँ पर, वो यहाँ से उनकी जो बॉडी है वो काफ़ी दूर दूर जाके गिरी है। सर क्या सुना आपने, यहाँ क्या हुआ है? मैम मुझे जैसी जानकारी मिली है, प्रशासन पूरा मौके पर है, जांच में पता चलेगा कैसी, जांच के बाद ही कुछ कहना संभव होगा। जो भी इसमें लगता है, जो भी पीड़ित होंगे उनको न्याय दिलाया जाएगा। चार लोग हताहत हो चुके हैं बताया जा रहा है, तो उनके जो भी उनके लिए हम सरकार के द्वारा देने की स्थिति सब देंगे, उनको जो भी राहत होगी राहत देंगे, और जो भी इसके लिए लापरवाही के लिए जिम्मेदार होगा उस पर भी कार्रवाई की। बुलंदशहर की विधानसभा सिकंदराबाद से विधायक हैं लक्ष्मीराज जी, मौके पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो यहाँ पर जिस तरह की घटना हुई है पूरी मदद, सरकारी मदद पहुँचाने की बात भी कर रहे हैं। चलिए मैं और आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि देखिए ये इस तरह का माहौल यहाँ पे हो गया। तमाम जो ये मकान था और ये मकान जो है मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुका है। इस मकान में कई सारे लोग जो कारीगर काम कर रहे थे वो लोग यहाँ पर, बताया जा रहा है कि अभी डीएम साहब ने जिस तरह से बताया है कि चार लोग जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। परिजन कहाँ हैं मैं देखने की कोशिश करूँगा। यहाँ इस तरह से ये देखिए इनके हाथ में जो जा रहे हैं जांच नमूना लेकर, ये हड्डी है, दूर से दिखाते रहिए, ये हड्डी है। इस तरह से जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अलग अलग उड़ के जाकर गिरे हैं, और तमाम नमूनों को इकट्ठा करने के बाद में सबूत जुटाए जा रहे हैं कि आखिर ये ब्लास्ट इतना जोरदार धमाका आखिर किस उससे हुआ, क्या कुछ इस तरह का यहाँ पर जो केमिकल है वो तैयार किया जा रहा था। परिजनों का पता है भैया, परिजन कहाँ मिलेंगे? बॉडी इसके अंदर रखी हुई है, दूर से दिखाएं, पास ना जाएं, दूर से दिखाते रहें बस। इसमें कुछ बॉडी जा भी चुकी है शायद यहाँ से, कुछ बॉडी इसके अंदर है और कुछ बॉडी इस एम्बुलेंस के अंदर है, और कई दो बॉडी तो फिलहाल मौके पर मौजूद हैं, यहाँ रखी हुई हैं। दो बॉडियों को बताया जा रहा है कि यहाँ से ले जाया जा चुका है। अभी जो ग्रामीण हैं उन्हें, वो भी अनभिज्ञ हैं, उन्हें भी यहाँ अभी ये मालूम नहीं है कि वाकई हुआ क्या है। और बहुत दर्दनाक हादसा है, बेहद दर्दनाक हादसा,
क्योंकि चार लोगों के चिथड़े उड़ गए, चारों लोग जो है पूरी बता रहे हैं कि दूर दूर जाके उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो गिरे हैं। अभी एक हड्डी शायद बाजू की हड्डी थी जिसे लेकर नमूने के तौर पर यहाँ से उठाकर लाया गया। कोई भैया हेलो, परिजन कहाँ है उनके, कोई परिजन है? अभी रो रहे थे कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, है कोई कोई यहाँ पे परिजन यहाँ इधर जो खड़े हुए हैं? आ जाओ, वहाँ चलने की कोशिश करेंगे, बने रहिएगा सभी। और मैं कोशिश करूँगा कि जो कोई परिजन अगर मिल जाते हैं तो उन परिजनों से बात करने की कोशिश की जाए। थोड़ा तेजी से आइए, आगे चलिए मेरे। हाँ, ये देखिए तमाम अधिकारी यहाँ पर, जो गाड़ियाँ हैं एएसपी साहब की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, एसएसपी महोदय की गाड़ी यहाँ मौजूद है, और डीएम वगैरह एडीएम वगैरह तमाम जो आला अधिकारी हैं वो घटना स्थल पर पहुँच चुके हैं। आसपास किसका मकान है यहाँ पे? नहीं, ये सब ये कोई यहाँ आसपास के लोग नहीं है जिसने धमाका सुना हो? बैरिकेड कर दिया गया और जो लोग हैं वो तमाम जो लोग हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से चार लोग बुरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हुए हैं, चिथड़े उनके उड़ गए। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी वीडियो, कई सारे ऐसे फोटोज जो हैं वो वायरल तुरंत हो चुके हैं यहाँ से कि बुलंदशहर में ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट होने के बाद में ख़त्म हो चुके हैं चार लोग। हालांकि अभी और लोग भी ख़त्म होने की आशंका है, कई लोगों को वहां ढूंढा जा रहा है, दूर दूर तक बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो जाकर गिरे हैं जिसकी वजह से अभी और लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। मैं यहां परिजन इस वक्त है नहीं, मैं किससे बात करना, कहां है भैया बताना? हाँ भैया चलना, किधर है, किधर? अच्छा, कितनी दूर पहुँच गए होंगे? 200 मीटर। अच्छा, जा चुके हैं यहाँ से, जा चुके हैं। किसी ने आवाज सुनी थी जो कोई लोग यहाँ पे थे? कोई थे यहाँ पे आसपास जिन्होंने आवाज सुनी? हाँ, क्या सुना था? जी हम अपनी दुकान पे बैठे थे, हमने सुना एक साथ धमाका हुआ, बहुत धुआं उड़ा, हम दुकान पे से भागे एक साथ, हमने देखा कि इधर की तरफ धुआं बाग में से निकलते हुए आए, तो हमने पास पहुंच गए, 7-8 जने थे। उसके बाद हमने देखा वहाँ पे सिलेंडर पड़े हुए हैं, तो हमसे ये हिम्मत नहीं हुई कि हम वहाँ पर रुक सके, हम भाग गए जी दोबारा। क्या मंजिल का मकान था जो उड़ा है? ये मकान की तो पता ना, ये 2.5-3 मंजिल बताया जा रहा है। 3 मंजिल था जी, वो तो पूरी तरह से सब खत्म हो गया जी। जी अच्छा, काफी दूर तक ये आप देख सकते हैं, इधर दक्ष गार्डन तक ईंट पहुंची हुई है। ईंट दक्ष गार्डन तक आ चुकी है, निशान हो रहा है, शीशा फूट गया, निशान हो रहा है। मैं दिखा सकता हूँ आपको, सामने दक्ष गार्डन है जो शादी वगैरह इसमें होती है, और वहाँ अगर घटना स्थल की बात करता हूँ तो तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है, और 500 मीटर की दूरी पर आने के बाद में वहां जो गार्डन के ऊपर, मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करें, यहां शीशे में जाकर जो कोई चीज ऐसी लगी जो धमाका हुआ, और वो वहां शीशा इतनी दूर जाके टूटा है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जोरदार धमाका होगा जिसकी वजह से इतनी दूरी तक वो मार कर रहा था, जिसकी वजह से जो टेप के यार, ये देखिए भाई पुलिस अपना काम कर रही है, भड़ा इसके पीछे रहिए भैया, आगे आने की कोशिश बिल्कुल ना करें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और जो नमूने वगैरह उठाए जा रहे हैं उसमें दिक्कत हो जाएगी। दूरी बना के रखिए प्लीज। तो कोशिश करेंगे कि कोई यहाँ ऐसे लोग, परिजन वगैरह है नहीं यहाँ पे, वो चले गए, और परिजन अगर होते तो मालूम हो जाता सड़क के कौन सा मकान होगा उनका, है रोड के बाहर मकान कहाँ है उनका, परिजनों का सामने बता रहे, बीला सामने वो सामने वहाँ पे। चलो भाई वहाँ चलते हैं, दोबारा लाइव आता हूँ मैं, बने रहिएगा आप लोग 5 मिनट में, क्योंकि परिजनों के पास जा रहा हूँ, परिजनों के पास जाने के बाद मैं दोबारा आऊंगा लाइव। आप परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बहन जी कैसे ब्लास्ट हो गया? भैया भैया मेरा भैया जोड़ा था उधर लेने को गए वहां से, अरे बच्चा खेलता खेलता पहुंच ही जावे है उधर लेने गए हैं, अरे जी का पता ही अल्लाह बोलन भी ना देगा, जाने क्या हुआ, अरे जाने क्या हुआ, कुछ बताना, मेरा वीरन है, मेरा भाई है, अरे मेरा भैया है, अरे मेरा एक ही भैया है, अरे मेरे अल्लाह, अरे मेरे अल्लाह, मेरे वीरन है। क्या मंजिल का मकान था वो? अरे मेरा वीरन है मकान, मकान क्या मंजिल का है, एक किराए पर है मेरा मकान। किसका मकान? परिजन है उसमें है ना, ये नहीं वो और नहीं, जिसका जो मकान उड़ा है वो मकान क्या मंजिल का था है जी? 2 मंजिल का, कितने लोग उसमें खत्म हो गए ये पता नहीं, 2 मंजिल बता रहे हैं। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है, जो भाई है इनके वो ब्लास्ट में
जो है खत्म हो गए, कई लोग खत्म बताए जा रहे हैं और यही ये आलम जो है यहाँ पर बीत रहा है। बच्चा भी था, उसे बुलाने गए थे बच्चे को बुलाने, वहाँ बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा खेल रहा था, खेलने को निकल रहा बच्चा। और भी बच्चे थे क्या वहाँ? तीन के ये दो तो मिल गए, एक को पकड़ने गया बस, खाली केवल जब हो गई है बता रहे दोनों बाप बेटे, दोनों उनका बेटा भी खत्म हो गया। अरे मेरा भतीजा भी है, 5 साल का जो उनका बच्चा था वो उसे लेने के लिए वहाँ जहाँ घटना स्थल है वहाँ पर पहुँचे थे, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं अपने बच्चे को हाथ लगाते हैं तुरंत वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट में दोनों ही बाप बेटे की दर्दनाक मौत होगी। और वहीं पर दो लोगों के और ख़त्म होने की बात कही जा रही है। जो आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि 4 जो मौत है वो हो चुकी है वहाँ पर, और अभी भी बचाव कार्य जारी है और वहाँ ये देखने की कोशिश की जा रही है कि बता रहे हैं कि दूर दूर तक जो है बॉडी के पार्ट्स जाके गिरे थे, पल्ली गली तक गिरी है, पल्ली गली तक हाथ देखा, पल्ली वाली बस्ती तक में। आदिल आदिल मेरा भैया, आदिल मेरा भैया, अब आप जाइए, आप इन्हें घर ले जाइए, आप इन्हें घर ले जाइए थोड़ा। जो आ रही है आपके पति कैसे हैं जो गए थे वहाँ? कितना बड़ा बच्चा था? 5 साल का लड़का था, और दोनों ही बच्चे, दोनों के इनको लेने गए। पति मौके पर खत्म हो गया इनका, और भी कई सारी जो मौतें वहाँ पर हुई हैं उसी तरह से उनके लिए भी बताया जा रहा है कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो दूर दूर तक जाके गिरे। फिलहाल मौके से आला अधिकारी जो जांच नमूने हैं उन्हें लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ, किस तरह का वहाँ पर केमिकल बनाया जा रहा था, किस तरह की वहाँ पर ऐसी तैयारियाँ चल रही थी जिसकी वजह से इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ कि दूर तक 500 मीटर की दूरी तक जो दक्ष गार्डन है, दक्ष गार्डन तक के शीशे टूट गए हैं, और यहाँ तक कि 500 मीटर की दूरी तक जो बॉडी पार्ट दूर जा के गए हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर जो बॉडी के पार्ट्स हैं जिस तरह से बुरी तरह से दर्दनाक मौत लोगों की हुई है वो वायरल हो रही है। लोगों का जो परिजन है उनका रो रोकर बुरा हाल है। फिलहाल जो आला अधिकारी हैं वो जांच में जुटे हुए हैं।